नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के इस सेशन में हम लोग आज देखने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और शुरुआत अभ्यास प्रश्न से। और पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न था, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ऑप्शन ए आर वैशाली, ऑप्शन बी सोनिया शर्मा, ऑप्शन सी शिवानी डी अथवा ऑप्शन डी सीमा चौहान। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए आर वैशाली, ग्रैंड मास्टर बनी है 84वीं ग्रैंड मास्टर, जो कि एक महिला है। इसे हम लोग आइए डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि आर वैशाली ग्रैंड मास्टर बनी है और 1 दिसंबर 2022 को आर वैशाली मात्र 22 वर्ष की थी जब 84वीं ग्रैंड मास्टर बनने में वह सफल रही है। आपको बता दें कि आर वैशाली को स्पेन लॉब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट में 2500 एलो अंक प्राप्त हुआ था और वह ग्रैंड मास्टर बनी है। भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली बहन भाई जोड़ी भी है ये, और आर वैशाली के अलावा उसके छोटे भाई आर प्रज्ञा नंदा भी ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। आपको बता दें कि आर वैशाली 2023 में ग्रैंड मास्टर बनी है और आर प्रज्ञानंदा मात्र 12 वर्ष की उम्र में 2018 में ग्रैंड मास्टर बने थे। और वैशाली आर प्रज्ञानंदा की बड़ी बहन है, यानी दोनों भाई बहन की जोड़ी अब ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। अब तक 3 फीमेल ग्रैंड मास्टर की भारत में बात करें तो पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी कोनेरू हम्पी, दूसरी हरिका द्रोणावल्ली और तीसरी आर वैशाली, जो भारत में तीसरी ग्रैंड मास्टर बनी है महिला। दोस्तों आइए अब चलते हैं और देखते हैं नए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के निधन पर भारत सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया और राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया? इसका उत्तर है दोस्तों ईरान। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के निधन पर भारत सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया था और राष्ट्रीय ध्वज को पूरे भारत में झुका दिया था। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर 21 मई 2024 को राष्ट्रीय शोक भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। और हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीरादुल्लाहियन और ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती भी उस हेलीकॉप्टर में सवार थे जिसमें डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी का क्रैश में मौत हो गई थी। चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, ईरान के नए अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों ईरान के नए अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुखबर। आपको बता दें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुई थी उनके निधन के बाद मोहम्मद मुखबर अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खुमेनेई ने मोहम्मद मुखबर को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया। इससे पहले वह प्रथम उपराष्ट्रपति के तौर पर ईरान में कार्य कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3 है, किस इंटरनेशनल कोर्ट के चीफ अभियोजक यानी चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइल के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और हमास नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की है? इसका उत्तर है ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल के PM, रक्षा मंत्री और हमास नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की है। आपको बता दें कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट और 3 हमास नेता, और ये 3 हमास नेता हैं इस्माइल हनिये, यहिया सिनवार और मोहम्मद दीफ। इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की गई है और गिरफ्तारी का कारण बताया गया है इसराइल द्वारा गाजा में हत्या करवाने, भूखमरी के हालात बनाने की वजह से और इसराइल में हमास के हमले की वजह से इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की गई है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है और यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अलग संस्था है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि UN की एक संस्था है, वो भी उसका भी हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में ही है। वहीं
आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंट की बात करें तो वर्तमान में है टोमोको अकाने और स्थापना 1 जुलाई 2002 को की गई थी और आईसीसी के वर्तमान में सदस्यों की संख्या यानी सदस्य देशों की संख्या 123 है। प्रश्न नंबर 4 है, आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका उत्तर है दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला अब पूरी तरह से ग्लेशियर मुक्त हो गया है कह सकते हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित एक देश है और वेनेजुएला के आखिरी ग्लेशियर जिसका नाम हम्बोल्ट था वो भी अब समाप्त हो गया है यानी गल गया है। आपको बता दें कि वेनेजुएला में कुल 6 ग्लेशियर हुआ करते थे और वेनेजुएला के 6 ग्लेशियरों का घर हुआ करता था जो एंडीज पर्वत श्रृंखला के समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था और यहाँ वर्ष 2011 तक उनमें से 5 ग्लेशियर गायब हो गए थे और आखिरी ग्लेशियर जो हम्बोल्ट था उसके मामले में भी बताया गया है कि अल नीनो की वजह से ये काफ़ी तेज़ी से पिघल गया है। वेनेजुएला के बारे में दोस्तों बता दें कि इसकी राजधानी काराकास है, राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो और जनसंख्या करीब 3 करोड़ है और मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर है। पड़ोसी देश हैं गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया। और नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा की मीरा के नाम से मशहूर साहित्यकार मालती जोशी का निधन 15 मई 2024 को हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था? उत्तर है 2018 में। मालवा की मीरा के नाम से मशहूर साहित्यकार मालती जोशी को पद्मश्री दिया गया था। आपको बता दें कि 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। उन्होंने हिंदी और मराठी भाषाओं में 60 से अधिक किताबें लिखी हैं। उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय कृतियों में मध्यांतर, पतापेक्ष, पराजय, एक घर सपनों का, वो तेरा घर वो मेरा घर, इसके अलावा एक उपन्यास औरत एक रात शामिल है जिसके कारण वो प्रसिद्ध रही है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को और आज का प्रश्न नंबर 6 है, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं? इसका उत्तर है जॉन स्वाइनी। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम जो कि जिसे हम यूके के नाम से जानते हैं एक बहुराष्ट्रीय देश है यानी मल्टी नेशन कंट्री है और इसमें से जो 3 राष्ट्र हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं और ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर हम मिला दें तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। अतः यूनाइटेड किंगडम में 4 नेशन बन जाते हैं और ये 4 नेशन हैं यूनाइटेड किंगडम के, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। आपको फिर से एक बार बता दें कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है जबकि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नीदरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला ले तो यह बनता है यूनाइटेड किंगडम और इसी यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं। जबकि 3 राष्ट्र स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और ये सभी यूके के प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं। वहीं स्कॉटलैंड के बारे में बता दें कि ये भी एक यूके का हिस्सा है और इसकी राजधानी है एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बनाए गए हैं जॉन स्वाइनी। प्रश्न नंबर 7 है, आरबीआई ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश के तौर पर कितनी रकम देने का फैसला किया है जो अब तक का एक रिकॉर्ड है? इसका उत्तर है 2.11 लाख करोड़ रुपए। 22 मई 2024 को आरबीआई बोर्ड मीटिंग में केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया है आरबीआई के द्वारा। आपको बता दें कि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23 से अगर इस रकम की तुलना की जाए तो यह 141% ज़्यादा है और 2022-23 में यह रकम 87,416 करोड़ रुपये था। आरबीआई ने आकस्मिक जोखिम यानी कंटिंजेंसी रिस्क बफर को 6% से बढ़ाकर अब 6.5% रखने का निर्णय ले लिया है। आपको बता दें कि कंटिंजेंसी रिस्क बफर कई प्रकार के इकोनॉमिक रिस्क कवर करने के लिए रखे जाते हैं जिसे हम कंटिंजेंसी रिस्क बफर कहते हैं और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं।
प्रश्न नंबर 8 है, भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थल पर अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए समझौता प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर है रूस। आपको बता दें कि भारत और रूस के ने मिलकर कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की थी और यहीं पर एक अतिरिक्त परमाणु रिएक्टर के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। आपको बता दें कि तिरुनेलवेली तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत और रूस के द्वारा शुरू किया गया एक संयुक्त पहल है, यानी ज्वाइंट इनिशिएटिव है, और यह द्विपक्षीय तकनीकी और ऊर्जा सहयोग की एक प्रमुख परियोजना है। और इस वर्तमान में जो हस्ताक्षर किए गए हैं और इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं रोसाटाम राज्य परमाणु ऊर्जा निगम, रूस के महानिदेशक एलेक्सी लिगचेव, और भारत की तरफ से भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सचिव अजीत कुमार मोहंती। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, किस खेल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है? और इसका उत्तर है फुटबॉल। फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। आपको बता दें कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। 16 मई 2024 को इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर किया है। आपको बता दें कि वह आखिरी मुकाबला 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। वहीं सुनील छेत्री के बारे में आपको बता दें कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और तेलंगाना सिकंदराबाद में उनका जन्म हुआ था 1984 में 3 अगस्त को, और पिता के बी छेत्री हैं जो कि आर्मी मैन थे। इसके अलावा उनकी मां की बात करें तो मां सुशीला ने नेपाल की नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेला है और सुनील छेत्री ने अपना डेब्यू किया था 2005 में एक फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर। वहीं छेत्री के फुटबॉल कैरियर की बात करें दोस्तों तो इंडियन नेशनल टीम के लिए छेत्री के नाम 94 गोल हैं। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी उसके बाद सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल्स करने वाले वर्तमान में एक्टिव प्लेयर हैं। और भारत सरकार के द्वारा खेल रत्न अवार्ड से उन्हें 2021 में नवाजा गया था, 2019 में पद्मश्री से और 2011 में अर्जुन पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 6 बार वो ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर भी बन चुके हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? मई 2024 में अंतरिक्ष की यात्रा उन्होंने की है। इसका उत्तर है एड ड्वाइट। आपको बता दें कि एड ड्वाइट अंतरिक्ष में जाने वाले पृथ्वी के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। उनकी उम्र 90 वर्ष है। वैसे 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा देश के पहले अश्वेत अंतर्राष्ट्रीय यात्री उम्मीदवार के रूप में उन्हें चुना गया था, लेकिन अभी तक उन्हें उड़ान भरने का मौका नहीं मिला था। प्रश्न नंबर 11 है, मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों इदाशीशा नोंगरांग। इदाशीशा नोंगरांग 1992 बैच की IPS अधिकारी हैं। मेघालय में 3 मातृवंशीय जातीय समुदाय में से एक खासी समुदाय से आने वाली है और इससे पहले 2021 में कार्यवाहक DGP के तौर पर वह कार्य कर चुकी है। नोंगरांग 19 मई 2026 तक मेघालय की DGP रहेंगी। मेघालय के बारे में बता दें कि राजधानी शिलोंग है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा यानी के संगमा और फागू चौहान जो कि पूर्व में बिहार के गवर्नर रह चुके हैं वर्तमान में मेघालय के गवर्नर हैं। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टॉर्टोइज डे कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों 23 मई को। यह दिन दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है प्रतिवर्ष 23 मई को। इस वर्ष भी 23 मई को पूरे विश्व में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। इस वर्ष का यानी 2024 का थीम था आओ पार्टी करें लेट्स पार्टी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न का जो आपके लिए है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी USA अथवा ऑप्शन डी नेपाल।
इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।